अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेंट बायनियल सिस्टम के बारे में, और मैं इसके बारे में आज आपको बताऊंगा कि जो आपका हाई रेजिस्टेंस का फॉल्ट है उसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई रेजिस्टेंस फॉल्ट पर। तो ये पैनल देख सकते हैं आप, पैनल की कंडीशन चेक करें, पावर सप्लाई का कवर नहीं है इसका, बाकी भी जो कंडीशन है पैनल की ये देख सकते हैं, पावर सप्लाई, लूप के कनेक्शन, बाकी जितनी भी इसमें चीज़ें हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने हाई रेजिस्टेंस का फॉल्ट कैसे क्लियर करना है। बेसिकली हाई रेजिस्टेंस का फॉल्ट जो आता है वो इस वजह से आता है कि जब आपकी जो केबल की लेंथ है वो बढ़ जाए। बेसिकली केबल की लेंथ बढ़ने से मुराद ये है कि अगर आपकी केबल लूप की जो केबल है वो एक किलोमीटर से ज़्यादा हो जाए, और इसमें जो केबल की क्वालिटी है वो अगर प्रॉपर सही ना हो। सही होने से मुराद है जो स्टैंडर्ड है फायर रेटेड केबल का, वो प्रॉपर फायर रेटेड केबल ना हो और एक किलोमीटर के अंदर ना हो, और जो है डिवाइसेस की जो क्वांटिटी है, बेसिकली जो एक लूप होता है उसमें आप 200 डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं, बट हम 200 डिवाइसेस कभी भी एक लूप में ऐड नहीं करते, क्योंकि जब हम डिवाइसेस ज़्यादा ऐड करेंगे जो हमारी केबल की लेंथ है वो ज़्यादा यूज़ हो जाएगी। तो इस वजह से जो आपकी डिवाइसेस की जो क्वांटिटी है वो आप कम यूज़ करें, मतलब कि आप 150 से 160-170 के एमबिट में रखें डिवाइसेस की, तो आपका जो हाई रेजिस्टेंस का फॉल्ट है वो कभी भी नहीं आएगा। तो हाई रेजिस्टेंस का फॉल्ट बेसिकली इसी वजह से आता है कि आपकी जो केबल की लेंथ है वो बढ़ जाए। केबल की लेंथ बढ़ने की वजह से आपका जो हाई रेजिस्टेंस का फॉल्ट है वो आ जाता है। अच्छा, आप जब स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट करते हैं तो उस टाइम ये फॉल्ट नहीं आता, क्योंकि जो है केबल की जो कंडीशन होती है वो अच्छी होती है उस टाइम, और पैनल जो है वो प्रॉपर, जो लूप कार्ड उसमें लगा है वो प्रॉपर, आपका जितने भी सर्किट है वो प्रॉपर चला रहा होता है। जैसे जैसे ये टाइम गुजरता जाता है, लूप कार्ड जैसे जैसे वो पुराना हो जाएगा, पैनल की जैसे जैसे वो सिस्टम आपका पुराना हो जाएगा, तब ये फिर सिस्टम आपका फॉल्ट की कंडीशन में आ जाएगा और आपका जितना भी है वो फॉल्ट दे देगा। जैसे अब ये हाई रेजिस्टेंस का फॉल्ट आ रहा है कार्ड 4 में, तो अब हम इसको जस्ट यही कर सकते हैं, इसमें अगर आप टेम्परेरी बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं, आप इसको स्टॉप करके एलोकेट कर दें, लूप स्टॉप करके एलोकेट करेंगे तब चला जाए। अगर नहीं जा रहा तो आपके पास एक और भी ऑप्शन आता है इसमें कॉन्फ़िगरेशन का, कॉन्फ़िगर पे जाके आप इसके जो फॉल्ट है हाई रेजिस्टेंस का, आप वहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो अगर वहाँ से ये हाई रेजिस्टेंस का फॉल्ट क्लियर हो जाता है